हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कुकीज़ इन सर्वलेट। कुकीज़ क्या होती है, तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कुकीज़ क्या होती है और कुकीज़ को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं और किसी भी रिक्वेस्ट में अगर कुकीज़ आ रही है तो हम उसको कैसे फेच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कुकी क्या होती है, एक टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम लोग स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था सेशन ट्रैकिंग क्या होता है और उसी में हम लोगों ने देखा था कि स्टेटलेस प्रॉब्लम क्या होती है किसी भी वेब सर्वर की। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको जाके देख लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुकी को देखते क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ, कुकी एक स्टेट मैनेजमेंट की टेक्निक है। इस कुकीज़ की हेल्प से जो भी काम करेंगे वो स्टेट मैनेज करने के लिए करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुकीज़ क्या होता है। तो स्क्रीन पे जैसा हम लोग देख पा रहे हैं, कुकीज़ आर द टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन। ये एक टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है विच आर स्टोर्ड इन की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर इसका मतलब एक की होगी और उसकी कुछ वैल्यू होगी। इस फॉर्मेट में क्लाइंट के ब्राउज़र पे ये कुकी सेव हो जाएगी जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट बार बार सर्वर को कर रहा होगा। इसका मतलब क्या होता है, चलिए हम लोग अच्छे से समझते हैं और इसको जानते हैं कुकी कैसे यूज़ करनी होती है हम लोग को अपने सर्वर पे। तो हम लोग ने सीखा था कि जो सर्वर होता है, कोई भी सर्वर होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक यहाँ पे सर्वर है और ये वेब सर्वर है, मतलब हमने यहाँ पे वेबसाइट डिप्लॉय की है, वो जावा की हो सकती है, किसी और की वेबसाइट हो सकती है, और यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट है। ये क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, तो ये सर्वर हर एक रिक्वेस्ट को एज अ न्यू रिक्वेस्ट ट्रीट करता है। दैट मीन्स कोई भी रिक्वेस्ट आई इसके पास, ये उसको ट्रीट करेगा एज अ न्यू रिक्वेस्ट। ये एक प्रॉब्लम थी, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुकीज़ यूज़ करेंगे। कुकीज़ में बेसिकली होगा क्या, जब कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर क्या करेगा, उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्व करेगा। उसके बाद जब ये रिस्पॉन्स भेज रहा होगा, यहाँ से जब वो रिस्पॉन्स भेज रहा होगा, तो ये बेसिकली रिक्वेस्ट थी हमारी, और जब ये रिस्पॉन्स भेज रहा होगा तो सर्वर क्या करेगा, इस रिस्पॉन्स के साथ कुछ डेटा रख देगा। दैट मीन्स टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, और उसी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कुकी बोलते हैं। तो होगा क्या, जब भी ये रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा होगा, भेज रहा होगा, तो उस रिस्पॉन्स में डेटा रख देगा, दैट मीन्स कुकी रख देगा। और कुकी कई सारी कुकीज़ रख सकते हैं हम लोग। तो कुकी बेसिकली नेम और वैल्यू पेयर की वैल्यू होती है। ये कुकी जाती है क्लाइंट के, तो क्लाइंट के मशीन में, दैट मीन्स ब्राउज़र में ये सेव हो जाती है। यहाँ पे ये हमारा मशीन होता है, समझ सकते हैं ये ब्राउज़र है, तो ब्राउज़र में ये कुकी जाके सेव हो जाएगी। यहाँ पे जब ये कुकी सेव हो गई, जब क्या करेगा, क्लाइंट फिर से रिक्वेस्ट भेजेगा। ये रिक्वेस्ट वन थी, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट टू भेजेगा यहाँ पे, रिक्वेस्ट टू सर्वर पे, तो इस रिक्वेस्ट टू के साथ हमारी जो कुकी थी वो भी चली जाएगी। और सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट से कुकी को फेच कर सकता है। अब यहाँ क्या करेगा, ये फेच कर लेगा कुकीज़ को और प्रोसेस कर लेगा और देख लेगा कि हाँ भैया, ये वही वाला बंदा है जिसने पहले रिक्वेस्ट भेजी थी। तो कुकीज़ में आप टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन कुछ भी रख सकते हो की वैल्यू पेयर में। तो होगा क्या, जब पहले रिक्वेस्ट आएगी तो ये सर्वर कुछ डेटा रख देगा, जैसे आईडी रख देगी कुकीज़ में, और कुकीज़ रिस्पॉन्स में चली जाएंगी, ब्राउज़र में सेव हो जाएंगी। जब क्लाइंट क्या करेगा, दोबारा रिक्वेस्ट भेजेगा, तो उस रिक्वेस्ट टू के साथ कुकी भी आ जाएगी। दैट मीन्स अगर पहले रिस्पॉन्स में आपने एक आईडी रख दी थी, तो जब दूसरी रिक्वेस्ट आएगी तो आईडी कुकी के फॉर्म में वापस आ जाएगी। तो सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट से कुकीज़ को फेच कर लेगा और देख लेगा कि आईडी आई है, और अगर आईडी आई है, दैट मीन्स वही वाला बंदा है जिसकी वो आईडी है। अगर आईडी नहीं आएगी, दैट मीन्स कि ये कोई नया बंदा है, या कुकीज़ अगर नहीं है तो ये सर्वर समझ जाएगा कि ये कोई नया बंदा है और उसको एज अ न्यू यूज़र ट्रीट करेगा। बट अगर उसको कुकी मिल गई तो वो एज अ ओल्ड रिक्वेस्ट ट्रीट करेगा, और जो भी उस आईडी से इंफॉर्मेशन को दिखाना होगा वो सर्वर दिखा देगा। क्लाइंट यहाँ रिस्पॉन्स भेज देगा तो क्लाइंट फिर से उसे देख लेगा। इस प्रॉब्लम को थोड़ा और अच्छे समझते हैं। हम लोगों ने पिछली बार भी एग्जाम्पल लिया था तो समझा था कि स्टेटलेस प्रॉब्लम क्या है, तो इस एग्जाम्पल को भी समझते हैं और अच्छे से। तो हम लोगों ने पिछली बार एक ऐसा एग्जाम्पल लिया था एज अ इंस्टीट्यूट जिसमें हम लोग जा रहे थे एडमिशन कराने, और हम देख रहे थे प्रॉब्लम क्या हो रही थी। तो अब हम लोग समझेंगे कुकीज़ की हेल्प से उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हम लोग एडमिशन लेने जाते थे, और ये हम लोग हैं, मतलब क्लाइंट है। हम लोग एडमिशन लेने गए तो हम लोगों ने इंक्वायरी वगैरह की, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा दिया, हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद
अगर ये स्टेटलेस प्रॉब्लम होती तो ये क्या करता, जब आप वापस चले आते और वापस आने के बाद अगर आप दोबारा जाते वापस, उस केस में क्या होता, ये आपको न्यू रिक्वेस्ट ट्रीट करता। बट इस प्रॉब्लम को कुकीज़ की हेल्प से सॉल्व कैसे करेंगे ये चीज़ देख लेते हैं। जब आप पहली बार जाओगे रिक्वेस्ट वन करोगे तो रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा और आपकी जो आईडी मिलेगी, सपोज 10 आईडी मिली है, जब आप वापस आने लगोगे तो ये क्या करेगा, आईडी को एक कुकी बनाएगा और ये कुकी, ये जो वैल्यू है उसी कुकी में रखेगा और रिस्पॉन्स में जब आप आ रहे होगे तो आपको एक टोकन दे देगा, टोकन, और टोकन बेसिकली उस टोकन में आईडी आपकी लिखी हुई है और आपके पास ये टोकन रखा रहेगा। यहाँ पे जब आप दोबारा जाओगे इंस्टीट्यूट में तो आप समझ लो एज अ रिक्वेस्ट टू भेज रहे हो और आप अपने साथ उस टोकन को ले जाओगे। जैसे ही वहाँ पे जाओगे इंस्टीट्यूट में तो सबसे पहले आपसे टोकन ही मांगा जाएगा। अगर आप टोकन लेके गए हो तो आपका टोकन लिया जाएगा और उसमें चेक किया जाएगा कि आपकी आईडी वैलिड है। अगर उस टोकन से जो आईडी फेच की गई है वो आईडी वैलिड है, दैट मींस आप एक पुराने यूज़र हो और आपकी आईडी के थ्रू जो भी डेटा आपसे फेच किया जो भी डेटा निकालना होगा वो निकाल लिया जाएगा। अगर आईडी मिल गई तो बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन डेट वेट बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। दैट मींस जो टोकन था जो आपके पास रखा था वही, दैट इज़ नथिंग बट कुकी। जब भी सर्वर क्या करेगा, उसे कुछ भी याद रखना होगा, आईडी, यूज़र नेम या कुछ भी याद रखना होगा, तो एज अ टोकन बनाएगा और रेस्पॉन्स में सेंड कर देगा और वो जो टोकन होगा वो आके क्लाइंट के ब्राउज़र में सेव हो जाएगा। वही हमारा होता है कुकी होता है। ये एग्जांपल हमने देखा था अभी, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा तो सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और उस रिक्वेस्ट का जब भी वो रेस्पॉन्स दे रहा होगा तो उस रेस्पॉन्स के साथ में कुकी को भी सेंड कर दो। कुकी इज़ नथिंग बट टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम लोग की वैल्यू पेयर में कोई भी डेटा रख सकते हैं, कोई भी टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जावा में इस कुकीज़ को कैसे इंप्लीमेंट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, हाउ टू यूज़ कुकीज़ इन जावा, जावा में कुकीज़ कैसे यूज़ करेंगे। तो कुकीज़ को जावा में यूज़ करने के लिए क्लास दी गई है, कुकी क्लास। ये कुकी क्लास हम लोग यूज़ करेंगे और ये जो कुकी क्लास है वो एक पैकेज में है, javax.servlet.http। तो इस कुकी क्लास को यूज़, क्योंकि ये कुकी है वो प्रोटोकॉल स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है, तो javax.servlet.http पैकेज में आपको ये पैकेज सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पैकेज इंपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद हाउ टू मेक, कैसे बनाएंगे कुकी। जब भी आपको कुकी बनाना होगा तो आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा और उसमें नेम और वैल्यू पास कर देना होगा, दैट मीन्स की और वैल्यू पास कर देना होगा। सपोज आप सर्वर पे कोडिंग कर रहे हो, दिस इज़ योर सर्वर, और आपके पास रिक्वेस्ट आई और सर्वलेट में आपने क्या किया, डू गेट की हेल्प से रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया। यहाँ पे आपने डेटा वाटा निकाला, अब आपको रिस्पॉन्स देना है और रिस्पॉन्स में कुकी की कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो लेटर सपोज आपके पास एक यूज़र नेम है और इस यूज़र नेम को आप ऐड करना चाहते हो तो पहले कुकी बनानी पड़ेगी। कुकी जब कैसे बनाओगे, कुकी बनाने के लिए हम लोग को करना क्या है, हम लोग को कुकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम लोग के पास कुकी क्लास है, हम लोग लिखेंगे कुकी c इज इक्वल टू न्यू कुकी, सिंपल। और हम क्या करेंगे, इस कुकी में दो वैल्यू देंगे, एक नेम होगी इस कुकी का तो वो स्ट्रिंग होगी, तो हम यहाँ पर नेम लिख देते हैं, और वैल्यू देनी होगी तो हम इस यूज़र ये वेरिएबल दे देंगे, यूज़र नेम, सिंपल। उसके बाद हम लोग कुकी क्या करेंगे, कुकी को रिस्पॉन्स में ऐड कर देंगे। तो रिस्पॉन्स का आपके पास ऑब्जेक्ट होगा जो कि डूगेट के पैरामीटर में यहाँ मिल रहा होगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट, इस रिस्पॉन्स के पास एक फंक्शन है या मेथड है, ऐड कुकी, सिंपल। और हम लोग ऐड कुकी की हेल्प से अपनी कुकी का ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पास कर देंगे, दैट्स इट। रिस्पॉन्स में क्या होगा, क्लाइंट को जब रिस्पॉन्स जाएगा तो रिस्पॉन्स के साथ कुकी, आपकी सी वाली कुकी चली जाएगी और इस कुकी का नाम होगा नेम और वैल्यू होगी जो यूज़र नाम होगा। जैसे लेट अस सपोज आपके यूज़र नेम की वैल्यू ABC थी, तो कुकी का कुकी जो नेम है इस नेम की वैल्यू हो जाएगी यूज़र नेम, दैट मीन्स की है नेम और वैल्यू है ABC। तो जब भी रिक्वेस्ट आएगा तो हम लोग फेच करेंगे कुकी, तो हम लोग देखेंगे हम अपनी कुकी का नाम, इस नाम से कुकी को फेच करेंगे नेम और फिर उसकी वैल्यू फेच करेंगे। अगर हमें वही नाम ABC मिल रहा है, दैट मीन्स ABC वाला बंदा दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा है, ये तो हम सर्वर के कोडिंग करेंगे। अगर एक बार कुकी आ जाती है तो उसको फेच कैसे करते हैं और ऐड कैसे करते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ऐड कैसे कुकी करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऐड करने के लिए हमारे पास ऐड कुकी फंक्शन है, जो कि ये फंक्शन है सर्वलेट रिस्पॉन्स के पास, सर्वलेट रिस्पॉन्स। और क्योंकि आप HTTP स्पेसिफिक काम कर रहे हो तो HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स के पास है
ये मेथड। तो हम लोग रेस्पॉन्स में एड रेस्पॉन्स डॉट एड कुकी फंक्शन कॉल करेंगे और अपनी कुकी पास कर देंगे। दैट्स इट, सिंपल। इससे सिंपल कुछ नहीं है, बस हमको कुकी बनाना है और कुकी बनाते वक्त हमें की वैल्यू पेयर देना है और फिर हमें कुकी को ऐड करने के लिए ऐड कुकी फंक्शन यूज़ करना और अपनी कुकी पास कर देनी। सिंपल। अब हम लोग देखेंगे कुकी को कैसे फेच कर सकते हैं। जब दोबारा रिक्वेस्ट करेगा यूज़र तो कैसे हम कुकी को निकाल सकते हैं। कुकी को निकालने के लिए, क्योंकि कुकी जो आ रही होगी वो रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में आ रही होगी, रिक्वेस्ट में आ रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है आप हेल्प लोगे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का और इस पर एक फंक्शन है कॉल करोगे गेट कुकीज़। क्योंकि आपके क्लाइंट पे बहुत सारी कुकीज़ आपकी वेबसाइट क्या पता रखी हो, तो आप गेट कुकीज़ फंक्शन कॉल करोगे। ये आपको एक एरे देगी। ये किसकी एरे होगी? ये एरे होगी कुकीज़ की एरे। दैट मीन्स सिंपल, ये क्या करेगी, एक एरे बनाएगा और इसके अंदर बहुत सारी कुकीज़ आपकी रखी होंगी। सिंपल, ऐसे ऐसे। और इस कुकी का रेफरेंस हमें सी में मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक एक कुकी निकाल के चेक कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, इन केस अगर कोई भी कुकी नहीं मिलती तो इस वेरिएबल में नल मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेंगे इफ़ अगर सी इज डबल इक्वल टू नल, नल दैट मीन्स कोई भी कुकी नहीं मिली और ये बंदा है वो न्यू यूज़र है। इन केस अगर नल नहीं है एल्स में, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कुकी से एक एक डेटा फेच करेंगे और देखेंगे क्या हमारी कुकी है, और हमारी कुकी मिलेगी तो हम दिखा देंगे कि भैया उस कुकी की हेल्प से उस नाम निकल आएगा और नाम निकल आएगा या आईडी निकल आएगी तो हमको पता चल जाएगा कौन सा बंदा लॉग इन था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखा कुकीज़ क्या होती हैं, कुकीज़ को कैसे हम लोग बना सकते हैं और कुकीज़ हमारी स्टेटलेस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, कुकीज़ को बनाने के बाद कैसे ऐड कर सकते हैं और रिस्पॉन्स अगर रिक्वेस्ट में कोई कुकी आ रही है तो उसको कैसे फेच करके कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।